के गौरव की पुनर्स्थापना हो। ये आम आदमी की सभा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्नत समाचार में, हूँ आपके साथ जिक्रिया खान। आज हम पहुँचे हैं गांव झाड़वन में, सल्फर में, जहां के कुंग विधानसभा से प्रत्याशी भावी विधायक आने वाले, उनसे बात करते हैं कुछ मुद्दों से। जैसे अभी की घटना चल रही है, मतलब सूचना जो हमें प्राप्त हुई है कि नुमान मसूद जो है बसपा में जा चुके हैं, आपको कैसा फील कर रहे, क्या इसके बारे में कुछ कहना चाहिए? देखो, नुमान मसूद कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं, ये तो उनका अपना फैसला है। जैसे इसलिए कह रहे हैं, सवाल मेरा इसलिए था क्योंकि लोगों में एक असमंजस बना हुआ था कि हाँ ये टिकट RLD को जाने वाला है और ये सपा को जाने वाला है, इसलिए मैंने सवाल आपसे किया कि अब ये जहाँ तक है लगभग आपका टिकट फाइनली मान रहे हैं लोग बसपा में जाने थे, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, इस संबंध में तो हमने कभी सोचा नहीं था जो आप कह रहे हैं। हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे पूरा विश्वास, उन्हें हमारे ऊपर पूरा विश्वास, समाजवादी पार्टी। और दूसरी बात है, हम 2017 से ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं। ये व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है, ये जनता जनार्दन के लिए है। एक जनता जनार्दन ने मौका दिया कि हम अपनी विचारधारा, जिस विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी कुचलना चाह रही थी, समाजवादी विचारधारा, आज जनता उसी को स्वीकार कर रही है कि यही सही मायने में जो विचारधारा है, हमारे प्रदेश को, देश को विकास के रास्ते पर ले जा सकती है, हमारे किसानों की खुशहाली ला सकती है, हमारे जो नौजवान बेरोजगार हैं उनको रोजगार के अवसर दे सकती है, जो हमारे गरीब हैं उन गरीबों को जो है ये सरकार सहूलियत ज़्यादा दे सकती है, हमारे जितने देहात में रहने वाले हैं उन छोटा व्यापारी, छोटा दुकानदार है, उनके लिए है ये सरकार। जो अखिलेश यादव कहते हैं वो करते हैं, उनका जो 5 साल का शासनकाल रहा उन्होंने करके दिखाया, अपना घोषणा पत्र है उन्होंने अक्सर से पालन पूरी तरीके से किया, बल्कि उससे बढ़ के किया। और इस सरकार ने तो जो घोषणाएं की थी वो सिर्फ घोषणाएं हैं। 16 लाख करोड़ का लाल किले से घोषणा कर दें, 35 लाख करोड़ का तो हमारा बजट ही है, 40-40 लाख करोड़ के 2-1 साल में घोषणा करते हैं, तो घोषणाएं हैं। एक चर्चित मुद्दा चल रहा है, अभी आपको भी नॉलेज में होगा कि प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हमारे फिरोजपुर रैली के लिए जा रहे थे, तो वहाँ उनको रोका गया, अभी वो वहाँ से वापस हो गया है। आप इसको, इस घटना को कितना सही मानते हो, किस नज़रिए से देखते हैं? जनता इन सब की बात को जानती है। देखो, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी जान को कोई जोखिम नहीं हो सकता। हमारे देश, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा था प्रेस वार्ता में कि किसान भाइयों से जैसा अपील करी थी कि खाली मंच पे प्रधानमंत्री जी को जाने देना चाहिए था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो अगर 25 आदमी भी हैं तो उनको भी संबोधित करने के लिए चले जाएं, जो जनता के लिए हो, जनता के द्वारा हो, तो वो तो एक भी आदमी है, एक ही व्यक्ति है, तो वो उसकी भी सुनेगा। ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ही एकमात्र। अभी हमको योगी आदित्यनाथ का कुछ दिन पहले एक बयान आया था और हमारे गृह मंत्री जी भी कहीं जगह बयान दे चुके हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में हम फिर रिटर्न कर रहे हैं और +300+ सीटें फिर से लेकर आ रहे हैं, तो उसमें क्या आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा आपकी बात? खुद क्योंकि BJP के लोग ही कहें जो ये घोषणाएँ करें, जुमले हैं, तो ये भी जुमला ही है एक, तो 300 पार तो क्या। आप लोगों ने देखा होगा मुख्यमंत्री जी की जितने भी प्रोग्राम हो रहे और प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री जी के प्रोग्राम ये करा रहे हैं, सिर्फ सरकारी भीड़ है। मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम हो रहा है और पूरे जिले की शिक्षण संस्थाओं को बंद कर दिया गया, महापुरुषों की छुट्टी रद्द कर रहे हैं और अपने प्रोग्राम के लिए छुट्टी घोषित कर रहे हैं। इससे बड़ा प्रजातंत्र के साथ और नौजवानों बच्चों के साथ क्या खिलवाड़ होगा? जैसे हमारा एक सवाल आपसे है एक चैनल की ओर से कि कुंगो विधानसभा में आचार संहिता तो हमारे लगे चुके हैं, उस पर रैलियों पे तो पाबंदी है, तो आप किन मुद्दों को लेके अपने क्षेत्र के अंदर क्या आगे की रणनीति लेके और किन मुद्दों पे ज़्यादातर काम करेंगे जो हमारे क्षेत्र कुंगो विधानसभा में? हमारी समाजवादी पार्टी, हम यहाँ कुंगो विधानसभा में
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देशन में और हमारे पिता तुल्य बड़े भाई चौधरी रुद्रसेन जी के नेतृत्व में जिले के अंदर विधानसभा के यहाँ इसमें गंगों में बराबर 2017 से बीजेपी के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं पूरे जिले के अंदर। आप देख लीजिए उठा के सारा का सारा रिकॉर्ड। 2017 में 6 महीने बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की थी तो रैली हुई, बड़ी सफल रैली हुई थी। ताजी भारतीय जनता पार्टी आई थी बहुत भारी बहुमत के साथ। उसके बाद किसान आंदोलन हुए, उसमें हम लोग बराबर खड़े रहे, चाहे बॉर्डर पर जाना हुआ, राशन पहुंचाना हुआ, चाहे यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर किसानों के लिए 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च का आयोजन करना हुआ, साइकिल रैली हुई, यहाँ धरने प्रदर्शन हुए, तमाम जितने भी जनता से जुड़े हुए हम जनता के बीच रहें, हर वक्त यहाँ पर जनता के संपर्क में रहें। हमें अभी 10 अक्टूबर को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक रैली हुई, जिसे शासन के निर्देश पर प्रशासन ने विफल करने का भी प्रयास किया, अड़चने डाली गई, लेकिन रुक नहीं पाई जनता भारी गर्मी में भी। तो ये सब चीज़ ये दर्शा रही है कि जनता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को दिल से स्वीकार कर चुकी। अब ये कुछ भी लगा दें, कुछ भी कर दें, जनता रुकने वाली नहीं है। 14 फरवरी को यहाँ पर साइकिल ही साइकिल के बटन दबेंगे और किसी के दबने वाले हैं। जिले में हमको लगता है कि जैसे आपके प्रति कुछ गुटबाजी है। गुटबाजी कहाँ नहीं है, एक परिवार में सबके विचार नहीं मिलते, गुटबाजी नहीं होती, वो तो एक अपने अपने विचार हो, मनभेद नहीं होने चाहिए। मतभेद तो हो सकते हैं किसी है मुद्दे पे, वो तो हो सकते हैं विचारों में अंतर, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति हैं सब, उनके नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी में। गंगो विधानसभा के क्षेत्र के लोग आप कहाँ तक संतुष्ट और उनको क्या ऐसी चीज देंगे जो आपको लगता है कि इस क्षेत्र को इस विकास से वंचित रहे। देखिए बाई इलेक्शन हुआ था 2019 में, तो वो शासन प्रशासन का जबरदस्ती का प्रमाण पत्र था, जनता ने तो उसी वक्त इनके खिलाफ अविश्वास जता दिया था। और जहाँ तक संतुष्टि की बात है, हमारे परिवार ने सदा जनता के हित के लिए काम किया है और राजनीति को समाज सेवा के रूप में आगे लेके चलने का काम किया। हमारे परम पूज्य पिता श्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के द्वारा जो कार्य किए हुए हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के जो 5 साल के कार्य हैं और जो आगे उनकी जिस तरीके की सोच है, आधुनिक सोच है, युवाओं की, किसानों की, जो गरीबों के लिए तमाम जो योजनाएं उनके अंदर हैं, तो उनको लेके जनता पूरी तरह आश्वस्त है। और हम बीच बीच में जो भी जनता के कार्य हैं उसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतते। हमारे भाई हैं, मैं भी हूँ, हमारे परिवार हमेशा जनता की सेवा में तत्पर रहता है, निस्वार्थ भाव से रहता है, इसलिए जनता पूरी तरीके से संतुष्ट है। और जो जनता की वोटों के ऊपर इन्होंने डाका डाला था, उसको सबक सिखाने का काम भी करेगी अब दुगने उससे। और आपने देखा होगा कि प्रमुखी के चुनाव हुए, जिला पंचायत के चुनाव हुए, किस तरीके से इन्होंने प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ाई, मतदाताओं के मताधिकार छीन लिए गए, महिलाओं की साड़ियां तक खींच ली गई, इन लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है। सरकार तो कहती है कि जितना सम्मान हमने इस सरकार में महिलाओं को मिला है, किसी सरकार में तो मिला नहीं। सरकार ही तो कहती है, जनता तो नहीं कहती, महिलाओं से पूछिए, और भारतीय जनता पार्टी के लोग ही निकलेंगे उसमें, चाहे वो बलात्कारी हैं या कोई भी हैं, देख लीजिए विधायक भी हैं और उनके जितने कार्यकर्ता हैं बहुत से जो पदाधिकारी हैं वो संलिप्त रहे। अगर ये जो आपका सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल्स, ये जो चैनल है मीडिया है, इसको अगर ना उठावें ये तो प्रजातंत्र को ख़त्म कर दें। आज संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरह प्रभावित करने की बात ये लोग कर रहे हैं, हमने तो कभी जीवन में नहीं देखा कि जिस तरीके जैसे इन्होंने इस्तेमाल किया पुलिस प्रशासन का। सरकार कहती है कि अखिलेश यादव जो आने वाले मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा है, वो
की थी कि वो तो एक पक्ष के मुख्यमंत्री, वो दूसरे पक्ष को सही नज़र से नहीं दे सकते, क्या कितनी सच्चाई? पूर्ण बहुमत कैसे मिला उनको 2012 में अगर वो एक ही पक्ष के होते? आज जनता पूर्वांचल पश्चिम से लेके पूरब और पूरब से लेके पश्चिम, चारों तरफ इधर चले जाओ उत्तर दक्षिण प्रदेश के अंदर जय अखिलेश हो रही है। जनता ऐसा भरी नजर से देख रही है। कोरोना काल में ये तो इन्हों भी कहे थे कि गरीबों को हवाई जहाज में यात्रा कराएंगे, अखिलेश यादव ने कटाक्ष भी मारा, हवाई चप्पल पहनकर 1600 किलोमीटर महिला लड़की बाप को साइकिल पे लेके चल रही, तो ये है सम्मान के दिलों में महिलाओं के प्रति? डेड बॉडी तक घर नहीं पहुंच पाई, उनकी जेबों में से पैसा खींच लिया गया। मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग जिस तरह लाठी चार्ज हुआ उनके ऊपर, क्या जनता भूल जाएगी? जो महंगाई की मार उनके ऊपर है वो हवाई चप्पल उसी पे 12% है GST ठोक दिया इन्होंने, ये तो ठोको है, जिस चीज को भी देखा है ठोको। कपड़ों पे है फरवरी तक देख लेना है 12% उस पर भी GST, ये तो चुनाव की वजह से रुके। और इनका कोई भरोसा नहीं है कि ये कानून फिर से ये लगा दें, क्योंकि ये तो लॉलीपॉप दे के ये सोच रहे हैं कि सरकार बना के और फिर उसी राह पे चले। लेकिन अब की बार जनता पूरी तरीके से जान चुकी है इनके चाल चरित्र चेहरे को और सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। गंगो विधानसभा क्षेत्र के लोगों को अपना आखिरी संदेश और किन मुद्दों पर क्या रहेंगे वो बता दें? विकास प्रमुख मुद्दा रहेगा, सुशासन प्रमुख मुद्दा रहेगा, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पे दी जा सकें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रोड का ये बहुत अच्छा हो जाए, शिक्षा पे बहुत विशेष ध्यान दिया जाएगा, युवाओं की बेरोजगारी पर ध्यान दिया जाएगा पूरी तरीके से। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा भी है, जो उन्होंने कहा वो करके भी दिखाएंगे। तो तमाम जो किसानों से संबंधित है, मजदूरों से संबंधित है, उन तमाम मुद्दों के ऊपर जो छोटे दुकानदार व्यापारी हैं उनके हितों के लिए कार्य किए जाएंगे। और जो भी समय समय पर मुद्दे इस तरीके से आएंगे लोकल के भी, उनको भी हम अपने उसमें संज्ञान में लेके उनका हल करने की कोशिश करें। तो हम बात कर रहे थे गंगो विधानसभा पर प्रत्याशी जो है भावी विधायक के रूप में देखे जा रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ कुछ लोगों से भी बात की है, बुजुर्गों से बात की है, युवाओं से बात की है, तो लगभग एक जोश है उनके अंदर समाजवादी के प्रति, और जो हमारे इंदर सिंह जी भाई विधायक हैं गंगो विधानसभा से उनके प्रति भी एक जोश भरा हुआ है। तो आने वाला समय बताएगा वो तो क्या है, लेकिन अभी जो लोग से हमको प्रतीत हो रहा है भी इंदर सिंह जी की ओर लोगों का रुझान नज़र आ रहा है, और इंदर सिंह जी ने हमारे से अपने चैनल के माध्यम से एक आश्वस्त किया है कि आने वाला जो हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा वो विकास करेगा, युवाओं के प्रति रहेगा, किसानों के प्रति रहेगा, सड़क निर्माण करेगा, जो भी जन समस्याएं रहेंगी उनको जल्द से जल्द निस्तारण करा के उनका सहयोग किया जाएगा और लोगों की मदद करने का काम होगा। आप देख रहे थे मन्ना समाचार, और हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।